पंडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर इसके पहले मैं नाक की बीमारियों के होम्योपैथिक दवा उसके दो भाग एक और दो दे चुका हूँ, तीसरा भाग आज दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ इसको कि ENT नाक कान और गला, इसमें जितने तकलीफें होती है उनकी कोई गिनती नहीं, और जितनी बारीक मशीनरी इनमें होती है उसका कोई सानी नहीं। जो ENT डॉक्टर होता है वो इसको ऑपरेट करके ठीक कर देता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट वो ही होता है। तो एलोपैथी की एक अलग बात है, लेकिन हर जगह आदमी कहाँ इलाज कराए। ENT यानी कि नाक कान गला, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जगह पर हैं और हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं रोगी के, वहाँ जाकर के इलाज कराना हर किसी के बस का नहीं। अब मैं भाग 3 के अंदर बताता हूँ कि नाक से बदबूदार अगर स्राव निकलता है तो ओरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी देना चाहिए। कालीबाई क्रोम्बी देने से दुर्गंधित स्राव का निकलना बंद हो जाता है। नाक के छिद्रों में पीप, पर्दे पर जख्म, नाक के भीतर सूजन, ये तरह की जो तकलीफें होती हैं ये कालीबाई क्रोम्बिकम से ठीक होती है। और मर्कसोल 30 से नाक से पीला स्राव आना, दुर्गंधित आना, इसमें मर्कसोल लाभ करता है। किसी भी गंध का अधिक तीव्र अनुभव होना, यानी कि ये बड़ा अटपटा है, किसी को तो गंध का मालूम नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि कोई, जैसे कोई की गंध है, हींग है, उसको सूंघोगे तो उसको बहुत खुशबू आएगी, ये भी एक बीमारी है। तो किसी भी गंध का अधिक तेज अनुभव होना, यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एकोनाइक 30 नाक द्वारा किसी भी गंध को अधिक तीव्र अगर होती है तो वो उसको सही कर देता है। दूसरी दवा ओरम मेटेलिकम, ये हर प्रकार की गंध को, चाहे वो कितनी भी हल्की क्यों न हो, अधिक तीव्र अनुभव करने के लक्षण में इसे दें। ओरम मेटेलिकम सोना, गोल्ड होता है, सोना प्योर उससे बना है। ये एक सौभाग्य की बात है कि महात्मा हेनीमैन, जिनको हम दोनों वक्त नमन करते हैं, और जिस रोगी को दवा देते हैं, आप मानो या नहीं मानो, अपने मन के अंदर उसको याद करते हैं कि हे महात्मा, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं ये तुम्हारी मीठी गोली इसको दे रहा हूँ, आप ही इसे ठीक करो, ये मन में सोच करके, और फिर हम दवाई देते हैं, ऐसे नहीं देते। अब रोगी को क्या पता कि देने वाला मन में क्या सोचता है। तो ओरम मेटेलिकम, तो बेईमानी इसलिए नहीं होती, बेईमानी मदर टिंचर्स में ही होती है। मैं देखो साफ बात करता हूँ, और वो भी कोई गिरा हुआ आदमी करता है, हर आदमी भी नहीं करता। और अब तो कंपनियों ने 30 ml की पैकिंग निकाल दी, इसलिए कोई बात नहीं। पोटेंसी के अंदर क्या करेंगे, पोटेंसी के अंदर कोई इतना गड़बड़ नहीं हो सकती, आप इंडिया की ले सकते हैं और कहीं की भी ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर, मदर टिंचर्स के अंदर रेट्स का बहुत अंतर है। एक मदर टिंचर आपको यूं मान के चलो कि 20 ml, एक मदर टिंचर 20 ml आपको 25 रुपये 30 रुपये में भी मिलने वाला है,
और एक मदर टीचर जिसका नाम है ओलियम सेंट्रल, चंदन से बनता है, उसका 3,500 रुपया 30 अमल का रेट है उस मदर टीचर का, जिनको पैसा संबंधी रोगों में काम में लिया जाता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा वो है, उतार और चढ़ाव, सस्ता और महंगा, पोटेंसी में कुछ भी नहीं, कर्म फोड़ो। लोहे की बनी हुई चीज़ का भी वही भाव है, सोना की बनी भी वही भाव है, चांदी की बनी भी वो भाव है, और साइलिशिया मिट्टी से बनी हुई है उसका भी वही भाव है। इसलिए इनमें बेमानी नहीं होती। अब किसी भी गंध को सहन न कर पाना, इसके लिए ग्रेफाइटिस पोटेंसी, जिनको गंध सहन नहीं होती है तो इसके सेवन से ठीक हो जाता है रोग। दूसरी दवा बेलाडोना, थोड़ी सी गंध को भी सहन नहीं कर पाना, ये अगर लक्षण है। तंबाकू की गंध को सहन न कर पाने के लक्षण में बेलाडोना 30 उसकी दवाई है। किसी भी प्रकार की गंध को सहन न कर पाना और हर प्रकार की गंध से नफरत होना, इन लक्षणों के अंदर कार्बोलिक एसिड 30 पोटेंसी से लाभ होता है। अब मैं आगे आपको बढ़ता हूँ। देखो, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने कहा ये मामूली चीज नहीं है, सवाल नाक का है। हाँ, नाक के ध्रान शक्ति का लोप हो जाना। अब बोलो, अब ये 3 चीजें आ गई, गंध का अधिक महसूस होना और गंध को सहन न कर पाना और ध्रान शक्ति यानी कि सुगंध की शक्ति लोप हो जाना। यानी कि ऐसे बहुत आदमी होते हैं, पहला आदमी मैं हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। मेरे को चपाती में घी लगा के दे दो तो मेरे को ठीक लगता है, तेल लगा के दे दो तो ठीक लगता है, मैं उसमें अंतर नहीं निकाल सकता। मैं कोई जो ऐसी चीज़ होती है जैसे हींग है, पेपरमिंट है, उनमें तो अंतर निकाल सकता हूँ, बाकी ये घी तेल का मेरे को खाने पर कोई मालूम नहीं पड़ता। जबकि कई लोग इतने उनकी वो होती है कि एक सेकंड में बता देते हैं कि इसके अंदर फलानी चीज है। तो कभी कभी क्या होता है कि कई कारणों से सूंघने की जो शक्ति है आदमी की कम हो जाती है अथवा बिल्कुल लोप हो जाती है। तो उसके लिए जो दवाइयां है, कैडमियम सल्फेट पोटेंसी, ऐसे रोगी को देने से दुर्गंधित स्राव तथा नाक को सिकोड़ न पाने के लक्षणों में लाभ करती है। सोराइनम 200 की एक खुराक लेने से बदबूदार युक्त नासा स्राव, सर्दी का अनुभव तथा कमजोरी, इन लक्षणों में फायदा करते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर कैलिबाई क्रोमिकम और टोकुरियम, मर्क आयोड, फॉस्फोरस और ओपियम और थूजा, ये दवाइयां भी काम करती है। अब आते हैं, अब भी मजा लेंगे। एक बार मैं किसी की शादी में गया था तो एक कमरे के अंदर हमें कहा ससुराल में, कौन साहब आप यहाँ सोएंगे और आपके पास कोई बम्बई से आए हैं। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, वो अब थोड़ी देर में आके वो आपके पास सो जाएंगे। ठीक, सो जाएंगे, ऐसे गद्दा लगा हुआ था और सर्दी का मौसम था। तो वो आए तो आए ठीक है, अब
आते ही वो सो गए, आज सोते ही है। अरे बाप रे बाप, वो कमरे की पट्टियां नहीं टूटी, वो सीलिंग नहीं टूटी, नाक उनकी क्या बोली, ब्रर ब्रर ब्रर। मैंने कहा ये भाई ये कौन सी मुसीबत आ गई। मैंने उनको देखा, उनके डील डोल को देखा, कुंभकर्ण को याद किया, उससे कमजोर नहीं था। बेकार जाकर के रावण ने कुंभकर्ण की गरज करी, बहुत ऐसे कुंभकर्ण है यहाँ। ओह ये मोटा पेट, ये शरीर, तो मैंने क्या किया। अब जब मुझे नींद नहीं आ रही उनके खराटों से, अरे खराटे क्या, टेप रिकॉर्ड भी नहीं था उस वक्त, मैं क्या करूं। खराटे क्या था कि यूं मान के चलो कि सीटी बम चलते हैं। तो मैंने क्या किया कि दोनों हाथों से ताकत लगा के, वो सीधे सो रहे थे, उनकी यूं करवट बदलूं। अब मेरे से वो हिलते ही नहीं, इतने भारी। अब जैसे तैसे करके मैंने उनको यूं करवट बदलाई और एक तकिया उनके घुसेड़ दिया, तो जाकर के खरांटों की आवाज रुपया में 30% कम हुई। अब वो करवट घंटा आध घंटा मेरे को नींद आई है, रो फिर, और वो ही भगवान बचाए, क्या बताऊं। हम बहन बेटियों का भी मामला है, अब घर का आदमी है, खराटे लेता है तो उनको सहन करनी होती है, अथवा किसी की पत्नी खराटे लेती है तो उनको सहन करना ही होता है। विदेशों के अंदर तो तलाक तक दे देते हैं, और ये बड़ी खराब बीमारी है। खराटा आने वाले आदमी को ये पता नहीं चलता कि मुझे खराटा आ रहा है। अरे कहीं आदमी तो लेटते ही रुम रुम रुम, अरे बाप रे बाप, क्या करें। तो सुनिए, खराटे आना बीमारी है, नींद में खराटे को कम करने के लिए लेमना माइनर 1000 की महीने में 2 खुराक देना चाहिए, इससे खराटे कम हो जाते हैं। दूसरी दवा ओपीएम 200 पोटेंसी 15 दिन तक रोज 1 खुराक देने से खराटे और सांस में खड़खड़ाहट, ये सब आवाजों में फायदा होगा। तीसरी दवा है हिपोजेनिया 200 पोटेंसी, नाक के सड़े हुए जख्मों अथवा नाक के पुराने सोजन के कारण जिनको खराटे आते हैं उन लोगों को हिपोजेनिया दवा का प्रयोग कराना चाहिए। अगली दवा है पल्सा टीला 30 पोटेंसी, मृत्यु के समय नाक की खड़खड़ाहट में लाभकारी है। ये मृत्यु को रोक नहीं सकती, परंतु रोग के बलगम अटकने के कष्ट को दूर करती है। इसको थोड़ा आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कोई आदमी मरणासन्न स्थिति के अंदर है तो पल्सेटिला उसको जीवन दान तो नहीं दे सकती, कभी वो पल्सेटिला देने से वो मरेगा नहीं, लेकिन वो इतना काम जरूर करिए कि जो मृत्यु पर निकट में है आदमी और उसकी खड़खड़ाहट आती है तो आप पल्सेटिला देंगे तो उसका जो बलगम है अटका हुआ वो या तो नीचा चला जाएगा या निकल जाएगा, तो उसका कष्ट कम हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ता हूँ, ये अब नाक का सवाल है, मैं भी देखो पूरा किए बिना। नाक तथा कंठ के मध्य तंतुओं का बढ़ना, नाक के मध्य तंतुओं का बढ़ना, नाक और कंठ दोनों लिखे हैं, इनके बीच में जो तंतु होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
इस बीमारी को अंग्रेजी के अंदर एडे नोइड्स के नाम से पुकारते हैं। इस रोग में नाक तथा कंठ के बीच में नसिका तंतु बढ़ जाते हैं, इससे नाक के सांस न लेकर मुंह से सांस लेता है। तालू मूल पर्दा है। नाक से श्वास छोड़ने में कष्ट, मुंह से श्वास लेना छोड़ना, बार बार सर्दी होना, कान में पीप होना, थोड़ा सा बहरापन अथवा कम सुनाई देना, कान में दर्द होना, पेशाब कम आना। इस रोग के अंदर निम्नलिखित दवाइयां है। ये दवाइयां एफ्रेफिस, नोटेंस, टीथ पोटेंसी, नाक बंद रहना, टॉन्सिल का बढ़ जाना, गले तथा कान की शिकायतों, इसमें कान भी आ गया इसके साथ साथ, ये सब एक ही कनेक्ट है। हाँ देखिए, ध्यान से सुने, दवा का नाम है एफ्रेफिस न्यूटेंस टीथ पोटेंसी। तो नाक बंद हो जाती है और टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और गला और कान की शिकायतें इनमें होती है और श्लेष्मिक स्राव निकालने में ये दवा लाभदायक है। बेरिटाकार्टिस पोटेंसी, शुरू की अवस्था के अंदर अगर ये तकलीफ होती है तो टॉन्सिल जो फूले हुए हैं उनको ठीक कर देगी। टॉन्सिल की बेरिटा कार 30 लिखा है, यहां मैं रुकता हूं कुछ समय के लिए। देखिए, ऐसे मेरे को कोई पूछते हैं कि टॉन्सिलाइटिस है, क्या दें क्या नहीं दें, आप बताओ, नहीं आता, हमको भी याद नहीं आता, क्या कितना का याद आएगा। तो मैं अब बताता हूं, जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं, बार बार, एक बार हुआ ठीक हो गए फिर हो गया, तो बेरिटा कार्ब 1,00,000 पोटेंसी की महीने में 2 खुराक दें 15-15 दिन के अंदर, टॉन्सिल होंगे ही नहीं। और अगर टॉन्सिल हो गए हैं तो उस वक्त उनको कम करने के लिए बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 15 दिन दें। टॉन्सिल फूले हुए होने पर ये ज्यादा लाभ करती है और बेरिटा कार्ब टॉन्सिल की एक रामबाण दवा है। एक दवा और है, उसका नाम बेरिटा आयोड होता है, तो वो भी बड़े हुए टॉन्सिल को ठीक करती है। छोटे बच्चों के अंदर जो टॉन्सिलाइटिस होती है उसमें अधिक काम करती है। इन दवाओं के साथ में कैल्करिया फास्थरियक्स, दुबले पतले शरीर का कोई रोगी हो, टॉन्सिल बढ़े हुए हो, तो ये दवा देने से लाभ होता है। अगली दवा कैल्करिया कार्ब 200, छोटे बालक, मोटे थुल थुल, जिनका पेट हिलता है, वजन ज्यादा है, गोरे हैं, चलते हैं तो पेट हिलता है, ये चॉकलेट फॉकलेट ये खिलाने से मोटे हो जाते हैं, चाहे बच्चा बालक बूढ़ा कोई भी हो, जिसके अंदर थुल थुलापन हो, सिर बड़ा हो पेट बड़ा हो, उनकी रामबाण दवा कैल्करिया कार्ब 200 दिन में 3 बार देने से रात के समय सिर और पांव तथा इनमें पसीना अगर आता हो और कान पकने के लक्षण भी हो तो इस औषध को देने से रोगी ठीक हो जाता है। सोराइनम, इसको ये नोसोड है, ये सभी में काम करता है, बार बार टॉन्सिल होने में भी काम करता है और नाक की तकलीफ में भी काम करता है। तो कोई नाक कान गले का जो रोगी है
तो उसको महीने में एक आध खुराक सोराइनम 1000 की अपने डॉक्टर से पूछ के ले लेने चाहिए। सल्फर 30, अगर रोग पुराना हो तो इससे फायदा होता है। हिपरसल 200, यदि उक्त तंतुओं में पस पड़ गया हो तो इससे फायदा होता है। इस रोग के अंदर और जो दवाइयां काम आती है, जो खास दवाइयां है, केलकरिया कार्ब, नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी, पल्सेटिला 30 पोटेंसी, सल्फर और फॉस्फोरस। अब मैं आपको कुछ अनुसंगिक चिकित्सा के बारे में बता रहा हूं। देखो, कई दफे ये ऐसे होते हैं क्या, यदि विशेष आवश्यकता हो तो नस्तर लगवा लेना चाहिए, मुंह बंद करके सांस लेना, सूर्य की रोशनी में घूमना, खुली हवा का सेवन तथा स्वास्थ्य के सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है, कोई भी जो इस तरह की बीमारियों से है। तो नाक के छिद्रों में कईयों के कीड़ा घुस जाता है। ये नाक तो है ही, अब नहीं ले रहे हैं, भगवान ने यहाँ बाल बनाए हैं। मेरी बात सुनो, मैं अभी गया ये मनाने के लिए नाई ने, उसने कहा कि मैं आपके नाक के बाल काट दूं, बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देख, तू काट तो दे, लेकिन भगवान ने ये है जो बहुत रक्षा करने के लिए बनाए हैं, तो ज़्यादा मत काट, तो यहाँ तक काट। क्या क्या रक्षा करने के लिए बनाए हैं, हम तो काट देते हैं। अरे भाई काट तो देते हो तुम, ये इसलिए भगवान ने बनाए हैं कि कोई भी डस्ट, दुर्गंधित हवा, सड़ी गली लाशों की बदबू, गंदगी की बदबू, खराब से खराब जगह से वास्ता पड़ जाए, तो सांस तो नाक से लेते हैं। तो ये बाल भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि उनके जो बहुत छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं ना, वो यहीं पर, उनकी जिंदगी भी कुछ क्षणों की होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, ये बाल यहीं रोक देते हैं। इसलिए भगवान ने नाक के अंदर बाल बनाए हैं। और लोग यूं भी तो कहते हैं कि ये तो नाक के बाल का सवाल है, कोई बात होती है, नहीं ये काम होगा, मेरे नाक के बाल का सवाल है। अरे भाई, नाक के बाल का सवाल है तो नाक के बाल मत कटाओ, जो यहाँ लटक जाए ना, उनको थोड़ा सा कैंची से खुद ही काट लो, अंदर के जो ये है ना, उनको पूरा मत कटाओ, आगे आपकी मर्जी। हाँ, तो इसके अंदर छेद, दो छेद हैं, कोई कीड़ा वगैरह, कोई छोटी वस्तु कोई घुस जाए, कुछ दिनों तक पड़ी रहे, नथुनों से बदबूदार स्राव निकलने लगता है, ऐसी स्थिति में पिचकारी आदि से उस वस्तु को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। चिमटी, कान खोदनी से, किसी फंदे आदि से उसे धीरे धीरे खींच बाहर निकालना चाहिए, परंतु इन वस्तुओं को नाक के छिद्रों के अधिक भीतर तक नहीं घुसाना चाहिए। ये देखिए, बहुत एक्सपर्ट आदमियों का काम है, अपने नाक के अंदर जब सुनाई नहीं देता है और नहीं देता है, तो पहले के लोग थे बहुत समझदार थे, तो वो अपनी कमर के अंदर, उसको कनकत्ती बोलते हैं, अब पता नहीं आजकल कौन रखता है नहीं रखता है, हम हमेशा रखते थे, हमारी माँ महीना दो महीना में चेंज कर देती, काला एक धागा हमारी कमर के अंदर बांध के रखती थी, हमें पता नहीं ये क्यों बांध रखा कमर के अंदर,
और जो बड़े आदमी वो भी बांधते थे, तो उनके अंदर मैंने देखा कि कमर के अंदर जो धागा बंधा हुआ है उसके अंदर दो छोटी छोटी चीजें लटकी हुई है सर्जरी की, इतनी बड़ी कैंची तो नहीं, एक तो चांदी की 2.5 इंच की, 2 इंच की ऐसे आंटी दी हुई, और बीच में चम्मच जैसा खड्डा। मैं आपको चम्मच भी दिखा देता हूं किसी तरह की चम्मच होती है ये, पर बिल्कुल ये सेम चीज है, चांदी की बनवा लो आप, बस ये बड़ी है वो छोटी है, यानी कि एक मोट माजावे इतना ही खड्डा और नीचे 2 इंच की चांदी की, वो एक तो वो रखते थे, दूसरी उसके साथ में इतनी सी तलवार की तरह एक वो रखते थे, दो चीज, और एक रखते थे चिंपड़ी हम उसको बोलते हैं। अब चिंपड़ी का स्थान संडासी ने ले लिया, जैसे कोई चीज चिंपड़ी अब मेरे पास है नहीं, अब आजकल कोई काम में नहीं लेते हम, बड़ी काम की चीज है चिंपड़ी, लोहे की बनती है तो 2 इंच के करीब होती है, यूं यूं करो आप उसको तो वो चिपकती है, तो जैसे कान में या नाक में कीड़ा या कंसलाई कोई दिख गया तो वो लोग यूं छोड़ा करके और उस चिंपड़ी से उसको पकड़ लेते थे, दबा लेते थे, तो वो आगे नहीं जाती और धीरे धीरे खींच के यही निकाल लेते थे, क्योंकि उस जमाने में ENT थे ही नहीं तो क्या करे, और कानों की सफाई के लिए वो मैंने बताया तो चांदी के वो उससे करते थे, और चिंपड़ी से है जो किसी के नाक कान में वो घुस जाता तो उसको खींच के निकाल लेते, और एक पतली सी चांदी की सुई जैसी और लटकती रहती थी, वो खाना खाने के बाद में दांतों को कोई कण फंस जाए तो हमारे जो बुजुर्ग थे, अरे वो कमजोर नहीं थे, उनका ज्ञान बहुत था, उस वक्त साधन नहीं थे, और अब तो इन्हें गिने रह गए, क्या करेगा दांत का डॉक्टर, क्या करेगा कान का डॉक्टर, वो सड़क पे बैठे रहते हैं ना, उनके पास सारे के सारे औजार रहते हैं, मसाला भी रखते हैं, तो उनके पास जो गरीब आदमी होता है, तो पहले तो सभी गरीब थे, जब ENT थी नहीं तो सभी गरीब थे, तो वो लोग बत्तीसी तक बांध देते थे, चश्मा लगा देते, चश्मे का टेस्ट कर लेते बिना कोई यंत्रों के, क्या कला थी, वो दांत को यूं निकालते थे, वही इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है वही लगा करके ये दांत लो। अब भी गांव के जो लोग हैं वो कई डॉक्टरों के पास नहीं जाते, ये 2-3 जने बैठे रहते हैं, अब वो लोग कम हो गए, उनका धंधा खत्म हो गया, ये ENT वगैरह ये सब बन गए, लोग समझदार हो गए या पैसा हो गया जो भी है कारण, तो अब भी वो कई गांव के लोग उनसे दांत निकलवाते हैं, उनका काम 50-100 रुपए में हो जाता है, जबकि वो रूट कैनाल जो दांत का डॉक्टर करता है तो 3,000 रुपए का फोटो आपके आ गया, दांत उखाड़ के फेंकता है 500 रुपया लेगा ही लेगा, और तुम चिल्लाओगे तो उसका असिस्टेंट तुम्हारे को यहां से पकड़ लेगा। अरे ऐसा मेरे साथ हो चुका भाई, देखो आज से 20-30 साल पहले की बात है, एक डाड है जो वो देखो उस वक्त जर्दा भी खाता था, तो अब तो सब 12 बज गई, कोई 1-2 बचे हैं, तो एक डाड में ऐसे नहीं दर्द था, तो उस वक्त एक भी ENT नहीं था, सिर्फ दांत का डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर था।
आज मिलते ही नहीं है। डिपार्टमेंट कहाँ गया भगवान जाने। प्राइवेट वालों के पास जाओ, उनकी चांदी कराओ। तो मैंने एक अपने साथी को पकड़ा, मैंने कहा ये दांत को निकालना बहुत ज़रूरी है, तू मेरे साथ चल। कर चलो गए डॉक्टर शर्मा साहब। अब वो रिटायर्ड हो गए और उनकी आयु इस वक्त मैं समझता हूँ कि 85 या 87-88 साल के, 90 साल के करीब हो गए। तो अब इस उम्र के अंदर उनसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। तो उनकी ड्यूटी थी उस वक्त, वो यौवन अवस्था में थी। तो मैंने कहा भाई दर्द तो नहीं होगा ना? कहा नहीं, कोई दर्द वर्द नहीं होगा, अभी इंजेक्शन लगाता हूँ और निकाल के पटकता हूँ। ठीक है। तो एक इंजेक्शन लगाया और मेरे दोस्त जो मेरा साथ गया उसने क्या उसको बोले कि देखो मैं दांत को निकालता हूँ, ये सिर नहीं हिला पाए, इनका सिर यहाँ से पकड़ लो। मन में सोचा, मैंने कहा ये दांत निकाल रहे हैं, सिर क्यों पकड़ा रहे हैं, क्या होगा? तो वो भी मेरा दोस्त है, वो बॉडी के अंदर यूं था जो उसने मेरा सिर को पकड़ लिया। तो मैंने ऐसा पकड़ा है कि कोई छुड़ा ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब आप कहोगे जब ही छोड़ूंगा, कहाँ ठीक। उस डॉक्टर को पसीने आ गए डाड को खींचने के अंदर और मैं बेहोश, कुछ भी नहीं घटा, इतना भयंकर दर्द हुआ, बाप रे बाप। अरे भाई उस डॉक्टर ने किया क्या, जहाँ ज़्यादा दवाई देनी थी इंजेक्शन में वहाँ थोड़ी दे दी होगी या जो भी हुआ होगा। ऐसी तकलीफ मैंने कभी नहीं देखी। और उसके बाद मैंने दांत उखड़वाया नहीं, मेरे को डर बैठ गया। तो अपने आप ही मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ और कुरुता रहता हूँ, गिराता रहता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये 2-3 आपके निकाल दें तो पूरी 32 ही बन जाएगी। मैंने कहा मेरे बीपी हाई रहता है और दांत निकालते हैं ना आप लोग तो कहते हैं कोई तकलीफ नहीं होती, बाकी मेरे को सब पता है कितनी तकलीफ होती है। तो उस वक्त इतने ट्रेंड सड़कों के ऊपर वो बैठे रहते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ये कीड़ा वगैरह चला जाता है तो नाइट्रिक एसिड भी इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। नाक के अंदर अगर सूजन हो, प्रदाह हो और पीप में अगर बदबू आती हो तो ओरम मेटेलिकम 30 नाक की एक बहुत बढ़िया दवा है। और टीबी के जो रोगी होते हैं उनको जो पेनस रोग हो जाता है तो ओरम मेटेलिकम बढ़िया काम करती है। अब वीडियो तो देखो मेरा बड़ा ही बनता है। अब बीच में कोई बात समझाना भी अति आवश्यक होता है। हाँ, एक दवा आती है उसका नाम है ट्यूकुरियम एरम वेरम। तो आप तो खाली ट्यूकुरियम नाम से 30 पोटेंसी, ये बहुत अच्छी दवा है। नाक का सूजन पुराना हो जाए, नाक से बड़े बड़े छीछड़े निकलें, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, पेनस रोग हो, तो ये दवा, नाक के अंदर अर्बुद भी है तो ट्यूकुरियम 30 पोटेंसी 1 महीना दें, सब समस्या भगवान ठीक करेंगे। दूसरी दवा आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी, अत्यधिक जलन के साथ नाक से पानी जैसा पीप अगर निकलता है, छींक आती है, आवाज बैठ जाती है तो आर्सेनिक 30। अगर पुराना घाव भी है नाक में तो आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी देने से लाभ होता है। अब मैं आपको
ये बताता हूँ कि कुछ संक्षिप्त चिकित्सा है। अधिक दुर्गम तथा सड़े गांव में सिप्लिनम 1000 की एक खुराक कभी कभी देने चाहिए। नाक के अंदर अगर खुश्की हो तो मर्क बिन आयोड और स्टिक्टा और सेंगुनेरिया ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा ओरमेट एलुमिना केलकरिया कार्ब सेंगुनेरिया सोरिनम तथा पल्सेटिला ये मैंने आपको बता दिया। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उससे रोगी की नाक में तथा मुंह को धोना चाहिए। नाक के छिद्र सदैव साफ रखने चाहिए तथा हल्का एवं जल्दी हजम होने वाला भोजन करना चाहिए। अब और ये लिखते हैं कि नाक के अन्य कष्ट, अब क्या करें, मैंने इतने भाग सुना दिए फिर भी बाकी रह गए, खैर कोई बात नहीं। हाँ, नाक के विभिन्न कष्टों में लक्षण अनुसार औषधि लाभ करती है। नाक में अगर छाले हो जाते हैं तो पेट्रोलियम इसकी दवा है। नाक के नोक पर फुंसी होती है तो एमोनियम कार्ब बोरेक्स इनकी दवा है। नाक अगर दुखती है तो ग्रेफाइटिस 30 इसकी दवा है। और नाक अगर लाल हो जाती है और उसमें डंक लगने जैसा दर्द होता है तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी देना चाहिए। बूढ़ों की वृद्ध आदमियों की नाक से अगर खून आता है तो एगारिकस 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। नाक पर अगर काला और भूरे दाग अगर किसी के हैं तो सल्फर 200 की खुराक देनी चाहिए। नाक अगर कोई का फूल गया है तो एपिस 30 पोटेंसी देने से लाभ होता है। हाय रे मेरी नाक। हाँ, अब जाकर के इसका ये नाक का तीनों भाग में प्राय सभी बीमारियां आ गई। और देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने आज कोई हंसी मजाक की बात नहीं करी और मैं करूँगा भी नहीं, लेकिन अब देखो मैं इंसान हूँ और कोई बात आ जाती है तो आप लोग उस पर गौर न करें, कोई बुरा नहीं माने, यूँ समझ लें कि भाई आप बाजार जा रहे हैं, किसी पागल ने गाली निकाल दी तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह मेरे को आप चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, कह दिया सो कह दिया है ना। तो मैं कोई जहाँ तक होता है मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि कोई मेरे मुंह से गलत शब्द न निकले, ऐसे शब्द न निकले कि किसी के दिल पे चोट लगे। इसलिए मैं अब बहुत अपने आप को लिमिट के अंदर करने लग गया हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा बनता है, इसका उपाय अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। मैं ये वीडियो बनाने के पहले ये सोच करके बैठा था कि आज 5-7 मिनट में फटाफट बोल के इसको, ईमानदारी की बात है, फिर भी 40 मिनट का ये बन गया। अब एक बात बताओ, मैंने पानी तक भी नहीं पिया बीच के अंदर, और 77 साल की उम्र के अंदर कंटिन्यू 40 मिनट तक बोलना, बोलने के अंदर कितनी शक्ति खत्म होती है, कभी इस पे विचार करो। मेरे को इसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे को, गूगल मेरे को कुछ भी नहीं देता। नाक कान गले का कोई बीमार है जो मेरे पास आएगा नहीं, वो ENT के वाले जाएगा, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को बहुत कुछ मिला।
और जो मेरे को मिला उसका नाम है सकून। अरे इतने आदमियों में से एक आदमी भी मेरे बताए हुए नुस्खे से ठीक हो गया है, और मेरे पास व्हाट्सएप में आ गया कि मेरे को आपने ये बताया और मैं इससे ठीक हो गया। तो मेरे ये तीन भाग की मेहनत है ना कुछ भी मायने नहीं रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखती। अगर एक आदमी को भी फायदा हो जाता है तो इसलिए मेरे वीडियो बड़े ही बनेंगे। और हम अब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक देखो हम आपको साफ ही बोलते हैं कि हमने हमारी यूं मान के चलो कि गठरी को समेट तो दिया, उसके अभी गांठ नहीं लगाई। इसने नहीं लगाई कि गठरी को लेके जाने में एक लकड़ी यहाँ रख के तब जाएंगे। तो हमने हमारी पूरी तैयारी कर रखी है मालिक के पास जाने की, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, क्या राजा क्या रंक फकीर। तो एक उम्र होती है, कोई 80 में मरता है, कोई 77 में मरता है, कोई अरे 30-30 साल के भी जवान मर जाते हैं, 25 साल के मर जाते हैं, रोज कितने मरते हैं कितने होते हैं। तो आप और हम कोई उनसे जुदा नहीं, वही खून आपका है वही खून मेरा है। तो एक दिन इस सराय को खाली करके जाना होगा। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया है मौज दरिया पतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी अंजाम है कि पानी, दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे अफसोस हम ना होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले।